हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एक विमीय गति, ये आपके पास एक विमीय गति। एक वस्तु में, यहाँ पर देखिए, वस्तु में गति तीन प्रकार की होती है। एक विमीय गति, एक विमीय गति में वस्तु क्या होती है? एक दिशा या एक अक्ष के अनुदिश गति करती या तो वस्तु एक्स अक्ष के अलोंग गति करेगी या वाई अक्ष के अलोंग। जैसे क्या हो गया आपके पास? ट्रेन की गति। दूसरा हो जाता हमारे पास कैसी? द्वि विमी गति। द्विविमी गति में वस्तु क्या होती है? एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग गति करती है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक, तो ये दोनों गतियां आपके सिलेबस में हैं। आज मैं आपको एक विमी गति को स्टार्ट करा रहा हूं। त्रिविमी गति भी होती है, जिसमें तीनों अक्षों को कवर किया जाता है, जैसे चिड़िया उड़ती है। आपके सिलेबस में जनरली एक विमी और द्विविमी गति को डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, एक विमीय गति, देखिए गति की दो अवस्था होती है। नंबर वन, वस्तु कैसे होती है? विराम में होती है। पहला, वस्तु विरामावस्था। देखिए, दुनिया में कुछ चीज परिवर्तित हो चाहे ना हो, समय हमेशा बदलता रहता है। तो मैं यहां पर ऐसा डिफाइन करता हूं, यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह विरामावस्था में कहलाती। जैसे यहां पर एक चेयर रखी मेरे सामने, उसकी स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रही है, तो वस्तु क्या कहलाती है? विरामावस्था में कहलाती। अगर ये टाइम टी है, ये पोजीशन एक्स है और समय के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन एक सी बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? विरामावस्था बोल देते हैं। दूसरा मेरे पास हो जाता है गतिशील। देखिए, यदि
वस्तु की स्थिति समय के अनुसार, समय के अनुसार बदलती है। तो वस्तु क्या कहलाती है? गतिशील अवस्था कहलाती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल को आप चलाते जाइए, तो समय के अनुसार आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पॉज करके आप नोट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, गतिशील अवस्था में हम लेके चलते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। यहां पर गतिशील हो गया। अब गतिशील होता है तो वस्तु की दो स्थिति होती है, अपनी पोजीशन या स्थिति को परिवर्तित करना शुरू किया, स्थिति परिवर्तित होती है। जब स्थिति परिवर्तित होती है तो इसमें दो स्थिति आ जाती है। नंबर एक हो जाता है दूरी, और दूसरा हो जाता है विस्थापन। ठीक, तो मैं इसी दूरी और विस्थापन को यहां पर पढ़ रहा हूं। मैं दो कॉलम बना लेता हूं और दो कॉलम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, यहां पर आप भी दो कॉलम बना लीजिए। एक हो गया आपके पास दूरी, और दूसरा कैसा हो गया, विस्थापन, ये चला गया। एक देखिए, नंबर वन दूरी क्या कहलाती है, चला गया कुल पथ या रास्ता दूरी कहलाता जैसे आप बाइक से हो तो चलाना शुरू करिए, चलते जाइए, चलते जाइए। आप बिना कुछ टेंशन लिए केवल उसको मेजर करना शुरू करिए, तो चला गया कुल पथ, क्या कहलाता है, दूरी कहलाती है। अब आप विस्थापन हो तो देखिए, ठीक, दो बिंदुओं के मध्य, बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। दूरी विस्थापन कहलाता। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो रहती है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। देखिए आप, इसको मैं चला गया कुल रास्ता लेता हूं, तो ये हम इसको हमेशा ऐड करते जाते हैं, इसलिए तो देखिए आप, मान लीजिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, मैं यहां से पांच चला, फिर चार चला, फिर पांच चला, पांच चार पांच, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। ये एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तो इसमें मेरे पास कुल दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी,
यूनिट इकाई आ जाएगी, ठीक। और अगर मैं इसी में विस्थापन देखता हूं, तो देखिए विस्थापन मेरे पास कैसा हो गया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का अंतर। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं इसको लेके चलूं ए और बी के बीच की दूरी, तो ये कितने न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होगी, विस्थापन ए बी, ठीक है, ये दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ये मेरे पास का परिणाम लिखूं ए बी, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इकाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 इकाई के इक्वल आ जाता है, ठीक। इसमें हम केवल टोटल पाथ लेके चल रहे हैं, इसलिए दूरी आपके पास अदिश राशि होती है, तो ये हो गई अदिश राशि। और विस्थापन मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये सदिश राशि के इक्वल आ जाएगा। दूरी हो तो देखिए हमारे पास कैसे हो गई, अदिश राशि, और विस्थापन मेरे पास कैसे हो जाएगी, सदिश राशि के इक्वल हो जाता है। इसको आप पॉज कर लीजिएगा, या पीडीपी फाइल में हो तो आप देख लीजिए, पीडीएफ फाइल में आप देख लीजिएगा को, ठीक। तो देखिए आप यहाँ पर, और अपन यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास कैसा था दूरी, ये कैसा आपके पास विस्थापन, ठीक, ये दूरी और ये है विस्थापन। देखिए आपके पास क्या कंडीशन आ गई, नंबर 4, ये सदिश राशि है, इसलिए ये हमेशा कैसे होती है, हमेशा धनात्मक होता है, और ये धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूरी को मैं एस से दर्शाता हूं, और इसकी इकाई हो जाती है, इकाई मीटर हो जाती है, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए इसे एस एस के ऊपर एरो से दर्शाते हैं। इसकी भी इकाई मीटर है, तो इसकी दोनों इकाई दोनों की एक सी होती है, इसको केवल एस से और इसको एस के ऊपर तीर के चिन्ह से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये ठीक, इसको नोट करके रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। तो क्वेश्चन होता ये है कि अगर कोई वस्तु ये ए पर है, ये बी पर है, ठीक, इस रास्ते से चल के यहां पर आती है, ठीक है, ये मान लो हम यहां पर एम शो कर दें, इसकी त्रिज्या कितने के इक्वल है, आर के इक्वल, ठीक है। तो आप यहां पर वस्तु पथ ए एम बी से चलती है, तो इसका इसकी दूरी और विस्थापन बताइए।
चलिए इसको सॉल्व करके रखिएगा, और क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन का आंसर मेरे को ग्रुप में भेज दीजिएगा।